मैंने फोन लगाया, मैंने कहा भाभी राखी का क्या प्रोग्राम है? नहीं इस बार मैं और आपके भैया आएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इंतजार करती रही। 5 बज गए, फोन नहीं आया। फोन लगाया, मैंने कहती मैं तो अपने पिहर चली गई अपने भाई को राखी बांधी। मैंने कहा भाभी यहाँ तो आ जाते, नहीं तो मैं आ जाती। नहीं मैं बताना भूल गई, मोहन भैया को राखी बांधी मैंने। तो सुलोचना चाची मुझे बोलती तू तो मोहन को राखी बांधती नहीं, उसे आज कैसे बांधती? तो मैंने कहा नहीं जब यहाँ पे होती हूँ तो बांधती हूँ। तो बोलती नहीं आज तूने लिफाफे देख लिया हाथ में तो बांध रही, बता। मैं जैसी अंदर गई तो मुझे भाभी क्या बोलती, मेरे को अपने भाई को राखी बांधने जानी है, आप यहाँ पकौड़ियाँ तल दोगे? अरे मैं भी तो अपने भाई को राखी बांधने के लिए आई हूँ, मैं पकौड़ियाँ तलने आई हूँ। मैं गई कमरे में, मैंने बोला चलो उठो अब खाना वाना खा लो सब। तो पीछे से ज्योति आई, ज्योति मुझे सूट का कलर पसंद नहीं है, मैं ये वाला नहीं रख रही। तो पीछे से मंजू आई, मंजू ऐसे उसको ऐसे आँख से दिखा रही है कि इसके सामने मत बोल तुझे सूट भी मिला। ऐसे आँखें ऐसे करी, मैंने कहा भाई मुझे तुम्हारा सूट नहीं चाहिए, तुम तो मेरा लिफाफा भी ले। राखी बाखी का कार्यक्रम हो गया, फोटो शोटो लेने लगे, हर एक जमाई को बुलाया, इनको नहीं बुलाया। मेरे को लगा यार इनको नहीं बुलाया, इनको बुरा लगेगा, मैं धीरे से इनको बुलाया आ जाओ फोटो में, तो उन्होंने मना कर दिया। मंजू ने देख लिया मेरे को दूर से, तो जोर से बोलने लगी उनको कि अरे आपके तो नखरे आपकी मम्मी जैसे भी ज्यादा। अलग अलग लिफाफे बना के रखे थे सबके, आधों में 100 डाले थे, 500 में ऐसे अलग अलग दे रहे थे। तो मुझे जैसे प्रसून भाई साहब ने लिफाफा पकड़ाया 500 का, तो मैंने ऐसे मजाक में बोल दिया, मैंने कहा हाँ आपने तो अपनी फेवरेट वाली बेटियों को दिए 2000 के नोट, मेरे को तो आपने 500 का दिया। तो पीछे से ज्योति चमक के बोली हाँ